नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर सुमन सिंह टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चों जरा बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है सोनी राठी जी चलिए खुशबू उमर वर्षा जायसवाल किरण यादव ज्योति त्रिपाठी जी श्रद्धा चंद्र शैलेंद्र कुमार चंद्रशेखर ये बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है अजीत कुमार यादव दीपिका मौर्या बताइए जरा जी सर आल क्लियर है कोसर जहां कोसर जहां ने बता दिया कि आल क्लियर है ठीक है तो बच्चों और क्या हाल चाल है सुबह सुबह संडे के दिन आपको परेशान किया जाता है मेरे द्वारा ये गलत बात है लेकिन क्या किया जा बेटा जी कभी कभी परेशान खुद भी हुआ जाता है और दूसरों को परेशान किया जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कि संडे को सुबह को भी सुमन सर आ गए परेशान करने तो ये आपको पता है कि कभी कभी ऐसा करना ही पड़ता है आजकल मुझे डेली ही करना पड़ रहा है तो ऑल इज़ वेल है तो आल क्लियर है चलिए फटाफट फड़ जुड़ जाइए तो मैं शुरू करूं, आज टेरिडोफाइटा है आपको पता है कि जो लोअर बॉटनी है बेटा जी एलगी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोसपम इससे भी आजकल अच्छा। एलगी फंजाई लाइकेन ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, जिमनोसपम आजकल खूब सवाल आते हैं और जो मैं लिखवाता हूँ उसी में से आ जाते हैं जितना मैं लिखवा देता हूँ वो पर्याप्त हो जाता है जहाँ जीनस पढ़ाने की ज़रूरत हो वहाँ पढ़ा दिया जाता है जहाँ ज़रूरत नहीं है बे मतलब टाइम किल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है तो चलिए एक लोग अभी जुड़ गए हैं ये जुड़ जाएँ लोग और जैसा कि आपको पता है ये कि पब्लिक क्लास है तो पब्लिक क्लास में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया जाता है तो चलिए मैं शुरू करूंगा बेटा जी क्योंकि ये दस बज के नौ मिनट हो गए हैं टेरिडोफाइटा टेरिडो फाइटा टेरिडो फाइटा।, फाइटा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं बेटा इसको फर्स्ट वायस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं फर्स्ट वायस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, दूसरी चीज कहते हैं फर्स, फर्स्ट लैंड प्लांट हैविंग वायस्कुलर टिश्यू अगर केवल फर्स्ट लैंड प्लांट पूछेगा तो आप ब्रायोफाइटा को लगा लीजिएगा लेकिन फर्स्ट लैंड प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू तो टेडोफाइटा को लगाइएगा आल्सो नोन एज बोटेनिकल स्नैक्स या बोटेनिकल रेप्टाइल्स भी कहते हैं और द टर्म टेरडोफाइटा क्वाइन बाई हीकेल हीकेल ने द टर्म टेरडोफाइटा को क्वाइंट किया था और टेडोफाइट्स आर मोस्टली हरबेसियस प्लांट ये भी याद रखिएगा ये मोस्टली हरबेसियस प्लांट होते हैं एंड ग्रो इन मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस लेकिन कुछ एक्वेटिक भी होते हैं जैसे जैसे मार्सीलिया साल्विनिया अजोला जैसे कुछ जीरोफिटिक भी होते हैं उसमें आपका एक्विसटम आर्वेंस है सिलेजनेला रेपेस्टिस है कुछ एपिफाइटिक भी होते हैं उसमें लाइकोपोडियम है और एक टेडोफाइटा है जिसको हम एम्फीबियस टेडोफाइट भी कहते हैं उसका नाम मार्सिलिया है मार्सिलिया नदियों में पोखरों में गड्ढों में ग्रो करती है बेटा जी जब पानी है कभी कभी उसमें पानी जब सूख जाता है तब भी वो ज़िंदा रहती है अगर नमी वहाँ बची है तो लैंड अगर है लैंड पर नमी है तो मार्सिलिया ज़िंदा रहती है तो इसको एम्फीबियस टेरिडोफाइट कहते हैं टीजीटी 2010 में ये सवाल पूछा गया था कि इसमें एम्फीबियस टेरिडोफाइट कौन है या एम्फीबियस कौन है तो वो आपका क्या है मार से लिया है इसके बाद आपको पता है कि आप जब ब्रायोफाइटा में थे तो उसकी प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट थी जब यहाँ पहुँचे तो प्लांट बॉडी क्या हो जाती है टेरिडो यहाँ प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट थी यहाँ प्लांट बॉडी इस्पोरोफाइट है तो बॉडी बॉडीज इस्पोरोफाइट विच इज़ इस डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीप्स और जब ब्रायोफाइटा में थे तो वहाँ इस्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू फूट सेटा एंड कैप्सूल था यहाँ बेटा जी क्या है कि वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं वैस्कुलर टिश्यू जब भी वैस्कुलर टिश्यू के नाम आ नाम आता है तो जाइलम और फ्लोएम की बात होती है जाइलम को पता है आपके पास चार कंपोनेंट होते हैं ट्रैकिट्स वेसल्स जाइलम फ़ाइबर जाइलम पेरनिकाइमा उसी तरह से फ्लोएम के भी चार कंपोनेंट होते हैं क्या होता है आपका स्यू एलिमेंट्स जिसमें सी सेल्स और सीव ट्यूब्स होती हैं कंपेनियन सेल्स इसके अलावा फ्लोएम पेरनिकाइमा और फ्लोएम फ़ाइबर तो यहाँ जो जाइलम होगा मीन्स टेडोफाइटा में जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स नहीं पाई जाती और जो टेडोफाइटा में जो फ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती एक्सेप्शन कुछ हैं जहाँ प्रिमिटिव वेसल्स पाई जाती हैं अभी मैं उसको लिखाऊंगा इसके अलावा देखिए जनरली क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ टेडोफाइटा में नहीं पाई जाती है। जनरली सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट इन टेडोफाइट्स एक्सेप्ट आइसोआइटिस एंड बोट्रीचियम यानी दो टेडोफाइट हैं जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है एक आइसोआइटिस दूसरा बोट्रीचियम और इसके अलावा देखिए क्या है कि जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया और इस्पोरेंजिया में भी प्रोड्यूस्ड इन प्रोड्यूस ऑन लीप्स नोन एज स्पोरोफिल्स लेकिन जो एक्वेटिक टेरडोफाइट्स हैं जैसे मार्सीलिया साल्विनिया और अजोला इसमें जो है स्पोरेंजिया पाए जाते हैं स्पोरेंजिया फाउंड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्या स्पोरोकार्प और जो टेरडोफाइट्स होते हैं बेटा वो मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं कुछ टेरडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस होते हैं कुल नाइन टेडोफाइट केवल है बेटा जी जो हेट्रोस्पोरस है तो मोस्टली है आपका होमोस्पोरस और कुछ हेट्रोस्पोरस यहाँ स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट डेवलपमेंट के आधार पर स्पोरेंजिया यहाँ दो प्रकार की होती है यू स्पोरेंजिएट और लेप्टो स्पोरेंजिएट अगर इस का डेवलपमेंट स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट ए ग्रुप ऑफ सेल से हो रहा है तो ये यू स्पोरेंजिएट है ये प्रिमिटिव होता है और अगर एक सिंगल इनिशियल सेल से होता है तो ये आपका क्या होता है ये लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है और देखिए जैसा मैंने कहा था इसके पहले कि आल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस यहाँ मोस्टली टेडोफाइट्स आर होमोस्पोरस केवल नाइन सम समेडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस जिसमें नौ की लिस्ट है आपको याद करने में आसानी हो जाएगी सिलेजिनेला आइसोइटिस मार्सिलिया सालविनिया अजोला पिलुलेरिया रेगुलिडियम स्टाइलाइटिस और प्लेटीजोमा जोमा। ये नाइन कैसे हैं ये नाइन आपके हेट्रो हैं बाकी सारे होमोस्पोरस हैं ढेर सारे टेरिडोफाइट्स हैं इंडिया में ही लगभग ग्यारह बारह सौ टेरिडोफाइट्स हैं ठीक है तो ये चीज़ें हैं अब इसके बाद देखिए जो इसमें आगे चीज़ आती है कि आपने देखा था कि ब्रायोफाइटा में जो एंथ्रोज्वाइट्स था वो सारे एंथ्रोजॉइड्स इन ऑल ब्रायोफाइट्स, एंथ्रोजॉइड्स आर बाईफ्लैजेटेड थे लेकिन यहाँ क्या होते हैं मोस्टली मल्टीफ्लेजिड होते हैं एक्सेप्ट Except, दो एक्सेप्शन है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, जहाँ ब्रायो, जहाँ एंथ्रोजॉइड्स बाईफ्लेजेटिड होते हैं बाईफ्लैजलेटड होते हैं और इसके बाद देखिए इसमें कॉमन नेम आएगा बायोटेक्निकल नेम आएगा फिर क्लासिफिकेशन आएगा फिर कुछ मेंबर की बात होगी जैसे हम राहनिया की बात करेंगे फासिल है ये और हम बात करेंगे आपका इसलेजनीला की बात करेंगे हम इक्विसिटम की बात करेंगे हम आपका आफियोग्लासम की भी बात करेंगे ये जनरा को भी हम पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें हैं आप जैसे अगर पूछ दिया जाए कि आपका स्पाइक मॉस कौन है तो सिलेजिनेला है लिटिल क्लब मॉस कौन है तो सिलेजिनेला है अब ये मॉस लगा हुआ है तो लेकिन ये तो टेरिडोफाइटा में मॉस लगा है यानी ये मॉस लगा तो इसको आप फॉल्स मॉस कहेंगे क्योंकि ट्रू मॉस तो वही है जो ब्रायोफाइटा के क्लास ब्रायोक्सीडा में जन्म लेता है बाकी कहीं लगा तो फॉल्स मॉस है या क्लम मॉस भी है क्लम मॉस कौन है लाइकोपोडियम है तो यहाँ कई जगह आप देखेंगे कॉमन नेम एंड बायोटेक्निकल में जब मॉस एम ओ डब्लू एस लगा रहेगा लेकिन वो फॉल्स मॉस होंगे तो ये चीज़ें हैं तो ये मैंने बता दिया बेटा जी अब मैं थोड़ा लिखना भी शुरू करूँगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लिखना 180 लोग अभी जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग सोते रहते हैं है ना चलिए फॉल्स मास हो जाएंगे प्रायब में ही होना चाहिए तो ये है तो तमाम लोग अभी बेटा जी जगह ही नहीं होंगे क्योंकि कल ही सबको बता दिया गया था इसके बाद भी कुछ लोग सुबह पूछ रहे थे ग्रुप में कि आज क्लास कितने बजे सी है कुछ लोग आठ बजे ही कह रहे थे कि वो नहीं आया क्या लिंक नहीं आया क्लास दस बजे की है आठ बजे ही लिंक ढूंढ रहे थे तो ये सब प्रभु की माया है आइए सब चलता रहता है ज़िंदगी में आपको मैं बता दूँ कि पढ़ाई ही सत्य है अगर आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ाई ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है पढ़ाई ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है कुछ लोग मिथ्या में जीते रहते हैं कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ही आसान सेलेक्शन है उनका संडे ख़राब ना हो वो सोते रहेंगे क्लास चले चाहे मत चले बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे लेकिन वो लाइव क्लास में नहीं आएंगे उन लाइव में आ जाएंगे तो उनकी नींद ख़राब हो जाएगी उनको बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी ये सब चीजें हैं सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं दुनिया में चलिए देखिए अगर आप एम एस सी बॉटनी में हैं चाहे एमएससी जूलॉजी में हैं चाहे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में हैं, चाहे एम एस एम एस सी आप माइक्रोबायोलॉजी में हैं, आप पी जी टी का फॉर्म भर सकते हैं और पी जी टी में जब सवाल आएगा जुलोजी और बॉटनी दोनों का आएगा जुलोजी और बॉटनी दोनों का सवाल आएगा ठीक है चलिए ये चीजें हैं तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडो फाइटा क्या देखिए पहली पॉइंट फर्स्ट वायस्कुलर फर्स्ट वायस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। फर्स्ट वाइस्कुलर क्रिप्टो गैम्स ये फर्स्ट वाइस्कुलर क्रिप्टो गैम्स है दूसरा देखिए इसमें क्या है फर्स्ट फर्स्ट लैंड प्लांट फर्स्ट लैंड प्लांट हैविंग हैविंग वाइस्कुलर टिश्यू हैविंग वायस्कुलर टिश्यू फर्स्ट लैंड प्लांट हैविंग है टिश्यू तो फर्स्ट वायस्कुलर क्रिप्टोगैम है फर्स्ट लैंड प्लांट प्लांट हैविंग हैविंग टिश्यू टिश्यू फर्स्ट लैंड ठीक है चलिए तो फर्स्ट वाइस्कुलर क्रिप्टोगैम फर्स्ट लैंड प्लांट हैविंग वाइसकुलर टिश्यू ठीक है आगे देखिए क्या है आपका ऑल्सो नॉन एज ऑल्सो नॉन एज आल्सो नॉन एज बोटेनिकल बोटेनिकल स्नेक्स आल्सो नॉन एज बोटेनिकल स्नैक्स आल्सो नॉन एज बोटेनिकल स्नैक्स और आल्सो नॉन एज बोटेनिकल स्नैक्स और बोटेनिकल रेपटाइल्स बोटेनिकल रेप्टाइल्स रेपटाइल्स ऑल्सो नोन एज बोटेनिकल स्नेक्स या बोटेनिकल रेपटाइल्स तो फर्स्ट वाइस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स हो गया फर्स्ट लैंड प्लांट हैविंग वाइस्कुलर टिश्यू देखिए अगर केवल इतना रहता फर्स्ट लैंड प्लांट तो ये ब्रायोफाइटा हो जाता लेकिन हैविंग है वाइसकुलर टिश्यू इतना बढ़ा दिया गया ये टेरिडोफाइटा हो गया आल्सो नोन बोटेनिकल स्नैक्स या बोटेनिकल रेप्टाइल्स इसको बोटेनिकल स्नैक्स भी कहते हैं या बोटेनिकल रेप्टाइल्स भी कहते हैं ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ दि डिटर्म, टर्म दि टर्म टेरिडोफाइटा डिटर्म टेरिडोफाइटा डिटर्म टेरिडोफाइटा क्वाइंड बाई क्वाइंड बाई या गिवेन बाई जो भी कह लीजिए दोनों से ही दि टेरिडोफाइटा क्वाइंड बाई ही केल हील दर्म टेरेडोफाइटा क्वाइंट बाई ही केल next set, pteridophytes are pteridophytes are are mostly pteridophytes are mostly pteridophytes are mostly herbaceous plants herbaceous pteridophytes are mostly herbaceous plants pteridophytes are mostly herbaceous plants Pedophytes are mostly herbaceous plants but pedophytes are mostly herbaceous plants and grow and grow in moist and shady places shady places shady places Pedophytes are mostly हरबेसियस प्लांट्स हैं देखिए एंड ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस ये मॉइस्ट मींस नम सेडी मींस छायादार ये नम और छायादार स्थानों पर ग्रो करते हैं नम एंड छायादार नम एंड छायादार स्थानों पर ग्रो करते हैं मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस चलिए तो दि टर्म दि टर्म टेडोफाइट आर क्वाइंट बाई ही टेडोफाइट्स आर मोस्टली हर्बेशियस प्लांट्स एंड ग्रो इन मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस हो गया डन बोल दीजिए चलिए बच्चे जो एक्टिव हैं जूही श्रीवास्तव विजय लक्ष्मी चलिए ये लोग अपना सती सरोज ये डन इनका हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए क्या इसमें आपका सम सम टेरिडोफाइट्स आर सम टेरिडोफाइट्स आर सम टेरिडोफाइट्स आर आपको पता मोस्टली तो हर्बिश प्लांट है एंड ग्रो इन मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस लेकिन कुछ टेडोफाइट्स एक्वेटिक भी हैं कुछ जीरोफिटिक भी हैं कुछ एपिफिटिक भी हैं कुछ एम्फीबियस भी हैं तो कुछ वाले में देखिए सम टेडोफाइट्स आर पहला एक्वेटिक जो जल में पाए जाते हैं वो एक्वेटिक हैं इसमें एग्जाम्पल देखिएगा क्या है ये आपका मार्सेलिया है मार्सेलिया मार्सेलिया सालविनिया मार्सिलिया साल्विनिया और क्या है एजोला मार्सिलिया साल्विनिया एंड एजोला ये क्या है ये आपके एक्वेटिक हैं जली हैं दूसरा इसमें देखिए जीरोफिटिक है। जीरोफिटिक जो ऐसे जगह ग्रो करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है जीरोफिटिक में आप दो लिखिएगा एक आपका सिलेजिनेला सिलेजिनेला रपेस्ट्रिस है सिलेजिनेला रपेस्ट्रिस है और दूसरा है इक्विसिटम आरवेंस इक्विसिटम आरवेंस है इक्विसिटम आरवेंस इक्विसिटम आरवेंस है इक्विसिटम आरवेंस है आरवेंस इक्विसिटम आरवेंस जानते हैं इक्विसिटम आरवेंस से गोल्ड ऑपटेन होता है इक्विसिटम आरवे आरवेंस से क्या मिलता है गोल्ड मिलता है वो गोल्ड का इंडिकेटर है इक्विसिटम आरवेंस ठीक है इक्विसिटम आरवेंस चलिए हो गया तो आप यहां देख लीजिए क्या है ये मैं यहाँ लिख देता हूं ये देखिए मैं ये लिख देता हूँ गोल्ड गोल्ड ऑफ टेन गोल्ड ऑफ तो गोल्ड किससे मिलता है इक्विसिटम आरवेन से यानी गोल्ड का इंडिकेटर है एक प्लांट का नाम बताइए जो गोल्ड का इंडिकेटर है इक्विसिटम आर्वेंस जो क्या है टेरिडोफाइट है जो कैसा टेरेडोफाइट है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है जहां कैरिनल कैनाल और वैलेकुलर कैनाल पाई जाती है कैरियर कैनाल और वैलेकुलर कैनाल पाई जाती है कैल कैरिनल कैनाल एंड वैलेकुलर कैनाल हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखिए इसमें आपका जो तीसरे नंबर पर है वो है तीसरे नंबर पर है वो एपी एपिफिटिक एपिफिटिक इसमें एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम है लाइको, पोडियम। लाइको, पोडियम है। लाइको डियम अब इसके बाद चौथे नंबर पे इसमें देखिए एम्फीबीएस अब देखिए इसमें है एम्फीबीएस एम्फीबियस टेरिडोफाइट एम्फीबीएस टेरिडोफाइट एम्फीबियस टेरिडोफाइट एम एम ये आपका जो इसका एग्जाम्पल है वो है क्या मार्सिलिया मार्सिलिया अब इसके बाद देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं आप नोट में लिख रहे हैं नोट में लिख रहे हैं आप क्या फॉसिल फॉसिल और फॉसिल टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स फॉसिल टेरिडोफाइट्स फॉसिल ट्रेडोफाइट्स में देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या यहाँ है तीन लिख लीजिएगा यहाँ राहिनिया राहिनिया हार्नियोफाइट हार्नियो फाइटान हार्नियो राहिनिया हार्नियोफाइटॉन और लेपिडो लेपिडो डेनड्रॉन लेपिडो डेनड्रॉन तो टेडोफाइट्स एग्जाम्पल है राहनिया हार्नियोफाइटन एंड लेपडोड लेपडो चलिए डन बोल दीजिए और सतीश सरोज जी देखिए सतीश सरोज जी का मेरे प्रति कितना प्यार है ये इनका प्यार ही है ये सब सच्चाई नहीं है प्यार है सर कितना अच्छा होता आप इंडियन फादर आप बॉटनी होते बेटा जी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है <laughs> ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बेटा जी बस ये आपका सतीश सरोज जी का मेरे प्रति प्यार है मेरे प्रति लगाव है मेरे प्रति सम्मान है वो मेरा सम्मान करते हैं इसलिए उनके ऐसे शब्द मेरे प्रति निकलते हैं जबकि ये सच्चाई से ये मैं कोसों दूर हूँ मैं छोटा सा बॉटनी के जानकारी रखने वाला व्यक्ति हूँ बेटा थोड़ी सी मुझे जानकारी है जो मैं आपको डिलीवर करता हूँ अब मेरा प्रयास रहता है कि जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आपको दे दूँ और मेरा ये प्रयास होता है कि जो जब आप जाम टी जी टी पी जी टी जी आई सी एल टी और एन वी वी इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बैठते हैं तो बॉटनी की जो चीज़ें आती हैं वो मेरे नोट्स में से सब फंस जाएं ऐसा ही मेरे केवल प्रयास होता है और सारे के सारे सवाल उसी में से आ जाते हैं नोट से ही दो तीन सवाल जब नहीं आते हैं तो उसका मुझे थोड़ा दुख होता है लेकिन एक बात सोचता रहता हूं कि भाई आयोग की भी अपनी गरिमा है वो भी तो चाहेगा कि हमारे सारे सवाल न फंसने पाएँ तो आयोग की गरिमा का भी सम्मान है और प्रयास यही रहता है बेटा जी और कोई चीज़ नहीं है बाकी जो चीज़ आप बता रहे हैं दिखा रहे हैं वो मेरे प्रति आपका सम्मान है बेटा जी और कुछ नहीं है ये हो गया आगे देखिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है इसके बाद देखिए क्या है प्लांट बॉडी प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इज स्पोरोट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है विच इज विच इज प्लांट बॉडी इज स्पोरोट विच इज डिवाइडेड विच इज डिवाइडेड इंटू डिवाइडेड इन टू रूट स्टेम एंड लीप्स एंड लीप्स रूट स्टेम एंड लीप्स प्लांट बॉडीज फोरोफाइट विच इज डिवाइडेड इंटू डिवाइडेड विच इज डिवाइडेड विच इज डिवाइडेड इंटू रूट स्टेम एंड लीप्स प्लांट बॉडी फोरोफाइट होती है जो रूट स्टेम लीप में डिवाइड होती है इसके पहले मतलब ब्रायोफाइटा मतलब इनके जो बड़े भाई थे क्योंकि ब्रायोफाइटा इनसे पहले आए तो इनके बड़े भाई हैं इनके बड़े भाई में जो है प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट थी वहाँ स्पोरोफाइट आपने देखा था फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन गैमिटोफाइट आपने देखा था फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन गैमिटोफाइट आईस्पोरोट डिवाइड इन टू फूड सेटा एंड कैप्सूल रिक्सिया ऐसा ब्रायोफाइट है जहाँ फूड सेटा दोनों एपसेंट थे आपको पता है कॉर्सिनिया में सेटा एपसेंट था स्पोरोफाइट आप रिक्शा सिंपलेस थी लेकिन जैसे आप टेडोफाटा में पहुंचे प्लांट बॉडी क्या हो गई स्पोरोफाइट हो गई डिवाइड इनटू रूट स्टेम एंड लीप्स रूट स्टेम एंड लीप्स चलिए हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं स्पोरोफाइट कहीं भी रहेगा बेटा जी स्पोरोफाइट कहीं भी रहेगा तो वो डिप्लॉयड ही होगा गैमिटोफाइट कहीं भी रहेगा तो वो हेप्लॉयड होगा यहाँ रूट लीफ है डिप्लॉयड है आपका ब्रायोफाइटा में फूट सेटा कैप्सूल था वो भी डिप्लॉयड था तो स्पोरोफाइट ये याद रखिएगा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जब स्पोरोफाइट लिख दिया गया तो वो डिप्लॉयड ही होगा वो टू एन होगा जब गैमिटोफाइट लिख दिया गया तो वो हेप्लॉयड ही होगा चाहे जहां भी होगा हेप्लॉयड ही होगा ये कॉन्सेप्ट बना के चलिएगा बेटा जी ठीक है चलिए हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं तो प्लांट बॉडी हो गया अब आगे देखिए क्या है वायस्कुलर टिश्यू वायस्कुलर टिश्यू वायस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोयम वायस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोयम वायस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोयम फाउंड जाइलम एंड फ्लोयम फाउंड जो वायस्कुलर टिश्यू होता बेटा वो जाइलम होता और फ्लोयम होता ये यहां पाया जाता है लेकिन आगे क्या देखे इनफ्लोयम इनफ्लोयम कंपेनियन इनफ्लोयम कंपेनियन सेल्स आर एपसेंट इनफ्लोयम कंपेनियन सेल्स आर एपसेंट फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती है इनफ्लुएम कंपेनियन सेल्स एपसेंट बिल्कुल आगे बढ़ रहा हूं बिल्कुल सही बात है अनुज कुमार जी चलिए तो चलिए डन बोलिए आगे बढ़ा जाए चलिए आज मैं और कह दूं कुछ बच्चे जैसे राजकुमारी जी जैसे सुमिता भार्गव जी और कई बच्चे हैं जो आजकल अच्छे अच्छे रियल पिक्चर डालते रहते हैं रियल पिक्चर ग्रुप पे डालते रहते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है जैसे आपको पता है इस्मालिस एनजियपम वालफिया है आपको पता है लॉन्गेस्ट लीफ रेफिया की है लार्जेस्ट लीफ विक्टोरिया रेजिया की है लॉन्गेस्ट फ्लार जिसको टालिस्ट फ्लार भी कहते हैं एमआरफोफाइलस का है लार्जेस्ट फ्लार रेफलिसिया का है तो तमाम बच्चे इस तरह की चीज़ें डालते रहते ग्रुप में बिल्कुल कलर्ड पिक्चर वो आपके पढ़ाई में मदद करते हैं आपके पढ़ाई को और बुस्टअप करते हैं आपके पढ़ाई में चार चाँद लगा देते हैं कुछ बच्चे इसमें लगे हुए हैं पूरे सबके मदद कर रहे हैं ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है ये हमारे लिए गर्व की बात है ऐसे वो तस्वीर रियल तस्वीर देख लेने से चीज़ें ज़्यादा याद हो जाती हैं कि ऐसी तस्वीर उसकी थी तो ये बहुत खुशी की बात है और यानी आपके पास इतनी जानकारी है मुझे तो गर्व होता है आप पर मुझे फक्र होता है आप पर कि हमारे विद्यार्थी इतना बढ़िया कर रहे हैं चलिए हो गया तो ये डन हो गया होगा आगे देखिए क्या है इन जाइलम इन जाइलम इन जाइलम वेसल्स आर वेसल्स आर एबसेंट इन जाइलम वेसल्स आर एबसेंट इन जाइलम वेसल्स आर एबसेंट देखिए कोई स्टूडेंट आज जुड़ा हुआ है जो किताब पूछ रहा है कि सर बुक कौन लें तो जरा उनको आप लोग बता दें कि कौन सी बुक लेना है और बता दीजिए कि सुमन सर का नोट्स ही पर्याप्त है क्योंकि मैं पढ़ाता भी रहूँ वो आप उनको जवाब भी जो भी कोई किसी का जवाब होता तो जवाब दे दिया करें बेटा जी उससे मेरा टाइम बचेगा तो इन जाइलम वेसल्स आर ब्रैकेट में लिखेगा सम टिव सम प्रेमेटिव वेसल्स सम प्रिमेटिव वेसल्स फाउंड सम प्रेमेटिव वेसल्स फाउंड इन सम्रिमेटिव वेसल्स फाउंड इन सम्रिमेटिव वेसल्स फाउंड इन सिलेज इनेलाइज इनेला इक्विशिटम इक्वी सिटम इक्वी यू क्यू यू आई इक्विटम मार्सेलिया मार्सिल प्रिमिटिव एसल्स फाउंड इन सिलेजिनेला इक्विसेटम मार्सिलिया एंड टेरेडियम 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 देखे मैंने आपको बताया क्या बेटा जी कि फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती मैंने कहा जाइलम में वे सेल्स नहीं पाई जाती टेडोफाइटा में फर्स्ट वाइस्कुलर क्रिप्टोगैम है यानी वेस्कुलर टिश्यू की शुरुआत यहीं से हुई थी याद रखिएगा बेटा जी एम्ब्रियो की शुरुआत ब्रायोफाइटा से हुई है आगे चलती रहेगी ब्रायोटेडो जिम्नो शुरुआत हुई आर्चिगोनिया की शुरुआत कहाँ से हुई वो बेटा जी ब्रायोफाइटा से हुई आर्चिगोनिएटी में है और आपका वैस्कुलर टिश्यू की शुरुआत कहाँ से हुई टेरिडो फाइटा से हुई ठीक है टेरिडो फाइटा से हुई लेकिन वैस्कुलर टिश्यू में में जाइलम फ्लोएम है फ्लोएम में, में कंपेनियन सेल नहीं है जाइलम में वेसल से नहीं है लेकिन ये याद रखिएगा इन जाइलम वेसल्स आर एबसेंट ब्रेकर में क्या लिखा मैंने सम प्रेमिटिव वेसल्स फाउंड इन सिलाजीनेला इक्विशिटम मार्शिलिया एंड टेरिडियम ये चार टेरिडोफाइट ऐसे हैं जहाँ प्रेमिटिव वेसल्स पाई जाती हैं तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा ये भी आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा चलिए जितेंद्र राठौर जी अभी आए हैं अभी अभी आए हैं वो तो वो ये कौन सी स्लाइड पूछ रहे हैं तो छठवें नंबर की स्लाइड है छठवीं स्लाइड है ये जितेंद्र राठौर जी, जी। चलिए हो गया तो इंजाइल वेसल्स आर एबसेंट लेकिन इसमें पाई जाती सम प्रिमिटिव वेसल्स सम प्रिमिटिव वेसल्स फाउंड फाउंड इन सिलेजिनेला एकटम मार्सिल एंड टेरेडियम हो गया डन हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल आनंद सिंह बघेल जी बेटा जी लिखवाया हूं वहां लिखवाया था बिल्कुल सही कर रहे हैं चलिए अब इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ एबसेंट इन एबसेंट इन एबसेंट इन लिविंग लिविंग टेरिडोफाइट्स लिविंग टेरिडोफाइट्स लिविंग टेडोफाइट्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या है देखिये एक्सेप्ट आइस्वाइटिस आइस्वाइटिस एक्सेप्ट आइसोआइटिस और दूसरा है आपका बोट्रीचियम 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 आइसोआइटिस एंड बोट्रीचियम बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोआइटिस कई बार पूछा गया है कि उस टेडोफाइट का नाम बताइए लिविंग टेडोफाइट का नाम बताइए जहां सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है तो ये आइसोआइटिस याद रखिएगा वैसे उसके साथ बोट्रीचियम को भी याद रखिएगा लेकिन आई से बोटिचियम दो ही तो हैं और दोनों को याद रखिएगा बोट्रीचियम बिल्कुल सही बात है चलिए हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम ये आगे देखिए क्या है स्पोर्स आर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया और आगे लिखिएगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया 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 में बी प्रोड्यूस्ड may be produced on the, sporangia may be produced on the leaves, on the leaves, comma, these known edge. known as edge sporophylls, known as sporophylls, known as sporophylls. क्या लिखा इस्पोरेंजिया में भी प्रोड्यूस ऑन द लीप्स नॉन एज स्पोरोफिल्स यानी एक टर्म आ गया बेटा जी क्या स्पोरोफिल्स यानी स्पोरोफिल्स क्या है स्पोरेंजिया प्लस लीप्स स्पोरेंजिया प्लस लीप्स नॉन एज स्पोरोफिल्स स्पोरेंजिया प्लस लीप्स नॉन एज स्पोरोफिल्स स्पोरोफिल्स सफ़ू खान करें लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए सर लेक्चर वीडियो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा कल करिएगा आज नहीं आज ज़्यादा कर्मचारी लोग नहीं हैं यहाँ कल करिएगा तो मैं बात करवा दूँगा वो मिल जाएगा सफ़ू खान चलिए ये हो गया स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया में बी प्रोड्यूस ऑन द लीप्स नोन एज इस्पोरो अब डन हो गया होगा चलिए बिल्कुल बिल्कुल अब इसके बाद देखिए इन इनएक्वेटिक इन एक्वेटिक इन एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स इन एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स इन एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स सच एज सच एज मार्सेलिया सच ऐज मार्सिलिया साल्वेनिया साल्वेनिया इन एक्वेटिक ट्रेडोफाइट्स सच एज मार्सिलिया साल्वेनिया एंड अजोला एंड अजोला इन एक्वेटिक ट्रेडोफाइट सच एज मार्सिलिया साल्वेनिया एंड अजोला। स्पोर, स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया। फाउंड इन फाउंड इन स्पेशलाइज्ड 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 स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज नोन एज इन एक्वेटिक टेडोफाइट सच एज मार्सिलिया साल्वेनिया एंड अजोला इस फोरेंजिया फाउंड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरोकार्प, नोन एज स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प। ये स्पोरोकार्प जब बेटा जी आप बीएससी फर्स्ट ईयर में रहे होंगे तो इसका आपको सेक्शन ये कट करने के लिए मिला होगा स्पोरोकार्प मार्सिलिया का स्पोरोकार्प बीएससी फर्स्ट ईयर में क्योंकि ये लोअर बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर के ही सिलेबस में है मैं जब बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो मुझको स्पोरोप मिला हुआ था काटने के लिए मार्सिलिया का स्पोरोकार्प था मार्सिलिया का स्पोरोकार्प मुझे मिला हुआ था तो आपको भी मिला होगा आपको भी ये मिला होगा ठीक है चलिए ये बीएससी फर्स्ट ईयर में मुझे मिला था आपको भी मिला होगा तो आगे देखिए ये हो गया स्फोरक आगे देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट है मोस्टली 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 टेरडोफाइट्स मोस्टली टेडोफाइट्स आर मोस्टली टेरडोफाइट्स आर homosporous homo homosporous homo homo mostly pteridophytes are homosporous but but some but some pteridophytes are but some pteridophytes are but some pteridophytes are heterosporous ट्रो स्पोरस याद रखिएगा मोस्टली टेडोफाइट्स आर होमोस्पोरस बट सम समेडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस आपको ब्रायोफाइटा याद करने में आसानी हुई होगी बेटा जी क्योंकि सारे ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं कोई एक्सेप्शन नहीं था लेकिन यहां एक्सेप्शन है यहां कुल याद रखिए कुल नाइन टेडोफाइट्स, ओनली नाइन केवल नौ टेडोफाइट्स ऐसे हैं जो हेट्रोस्पोरस हैं जबकि सारे के सारे क्या हैं होमोस्पोरस हैं तो जब भी ऐसी चीजें आ जाती हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ठीक है हो गया चलिए Uh, कोई संजय सिंह है कह रहे हैं सर जी बीएससी आपने कहाँ से किया था संजय सिंह आप कहाँ करने वाले हैं बताइए तो फिर चर्चा हम करेंगे चलिए संजय सिंह कोई हैं चलिए तो मोस्टली टेडोफाइट्स आर होमोस्पोरस बट टेडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस ये पेज में आगे बढ़ा दूंगा बेटा जी देखिए ये पेज मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मैं अब बात करूँगा क्या मैं बात करूँगा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन है होमो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की मैं लिस्ट दूंगा टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स क्या क्या देखे इसमें आपका है आपका इसमें देखिए सबसे पहले आपका ये देखिए मोसपोर्स में क्या होगा आप लिख लीजिएगा देखिए लाइकोपोडियम है लाइकोपोडियम फिर क्या है इसमें इक्विसीटम, इक्विसीटम है लाइकोपोडियम इक्विसीटम है लाइकोपोडियम इक्विसीटम है फिर देखिए क्या है पॉलीपोडियम है पॉलीपोडियम है फिर देखिए क्या है टेरेडियम है टेरेडियम टेरेडियम है टेरेडियम फिर क्या है देखिए एडिएंटम है एडिएंटम है एडिएंटम, तो लाइकोपोडियम इक्विसिटम, पालीपोडियम टेरेडियम एडिएंटम, इसके अलावा देखिए क्या इसमें आपका है आफियोग्लासम, आफियोग्लासम है आफियो ग्लासम है फिर इसके बाद देखिए इसमें ड्रायोप्टेरिस है ड्रायोप्टेरिस फिर देखिए आपका क्या है टेरिस है टेरिस है ड्रायोप्टेरिस टेरिस है फिर देखिए क्या इसमें असमुंडा है असमुंडा है असमुंडा फिर देखिए क्या इसमें तो हाई है हाई फिल्म है आई मेनो फेला मैं देखिए ये आपका ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा। और ये छठा देखिए ये सातवा देखिए ये आठवा देखिए ये नवा देखिए ये दसवां देखिए लाइकोपोडियम एकविसटम पालीपोडियम टेरिडियम एडियनटम आफियोग्लासम ड्राइवटेरिस टेरिस असमुंडा अस्मुंडा और हाईमिनोफिलम हाइमिनोफिलम इसके अलावा देखिए इसमें क्या है आपका साइथिया ये मैं एक दो और लिख देता हूं ये देखिए इसमें दो और मैं लिख देता हूँ एक है इसमें प्लेटी सेरियम प्लेटी सेरियम प्लेटी सेरियम और फिर लिख देता हूँ साइथिया साइथिया ये क्या हो जाएगा आपका ग्यारह हो जाएगा ये बारह हो जाएगा ये सारे टेडोफाइट्स कैसे हैं होमोस्पोरस हैं कैसे हैं होमोस्पोरस हैं संजय सिंह अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी आप सोचते हैं है ना तो अच्छा मुझे लगा संजय सिंह जी बहुत बढ़िया बेटा जी है ना वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा जी कि मैं मूल रूप से निवासी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ मूल निवासी मैं आजमगढ़ का हूँ रहने वाला बेटा अब मैंने वहीं से बीएससी एमएससी और किया था इंटर वहाँ एक सिबली नेशनल पीजी कॉलेज है सिबली नेशनल पीजी कॉलेज जहाँ से मैंने इंटर बीएससी एमएससी किया था बाद में मैंने बीएड किया था वहीं बीएड आपका आजमगढ़ में एक कॉलेज है श्री दुर्गा जी पी कॉलेज है चंडेश्वर में वहाँ से मैंने बी किया था फिर मैंने जो पी किया था बेटा जी वो चित्रकूट से किया था सतना डिस्ट्रिक्ट में ये है वहाँ ग्रामोदय ये महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश में है जहाँ से मैंने पीएचडी की थी तो इंटर बीएससी एमएससी मैंने सिवनी कॉलेज आजमगढ़ से किया था बीएड मैंने वहीं श्री दुर्गा जी पी कॉलेज चंडेश्वर आजमगढ़ में वहाँ से किया था फिर पी मैंने आ, सतना डिस्ट्रिक्ट में यह है आपका महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय था वहाँ से मैंने पी किया था ये पूरी जानकारी मैंने आपको बेटा जी बता दी अमूल निवासी मैं आजमगढ़ का ही हूँ चलिए ये मूल निवासी मैं वहीं का हूँ बेटा जी वहीं से पूरी पढ़ाई लिखाई मेरी हुई थी संजय सिंह जी मैंने आपको बता दिया नेहा अवि सिंह भी आजमगढ़ से हैं बहुत बढ़िया है अब आजमगढ़ी बात कह कह के तो फिर तमाम बच्चे मुझसे नाराज़ अब डॉक्टर ईचा सिंह भी आजमगढ़ की हैं अब उनकी ससुराल है वहाँ तो घर तो वही हो गया ना तब इसमें जो दूसरे ज़िले के बच्चे हैं फिर मुझसे नाराज होने के सर आप आजमगढ़ियों का पक्ष ले रहे हैं ऐसा कुछ नहीं बेटा जी आ, सारे विद्यार्थी वो मेरे प्रिय शिष्य हैं और मैं कभी भी आपका बेटा जी सरनेम जानने का प्रयास नहीं करता बस मुझे केवल नाम से मतलब है और सरनेम से मेरा कोई मतलब नहीं है सारे मेरे विद्यार्थी हैं सारे मेरे करीबी हैं सारे मेरे दिल में रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अदिति मिश्रा आगरा से हैं चलिए जी चलिए सभी एक जैसे हैं अभिषेक सिंह प्रतापगढ़ करें हम नाराज़ हो गए प्रेमा जी कहीं हम नाराज़ हो गए चलिए बहुत बढ़िया मान जाएंगी जो भी बच्चा नाराज़ होता है मैं उसको मना लेता हूँ यह कि कोई जल्दी मान जाता है को, कोई थोड़ा टाइम लेता है जो भी नाराज होता है उसको कुछ दिनों के बाद एहसास हो ही जाता है कि हम सुमन सर से नाहक ही ना नाराज़ हैं तो वो नाराज़गी उनकी दूर हो जाती है कुछ दिन वो सो नहीं करता है लेकिन बाद में वो धीरे 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 मान जाता है कि सुमन सर सही हैं मैं ही गलत हूँ या मैं ही गलत हूँ सुमन सर सही हैं वो धीरे 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 मान जाता है मैं बेटा जी इलाहाबादी नहीं हूं लेकिन मैं पिछले 18 साल से पिछले 28 साल से इलाहाबाद में हूं पिछले 28 साल से मैं बेटा जी 28 नहीं पिछले मैं 91 वन से इलाहाबाद में हूं तो 91 वन से लेकर के ये आपका क्या चल रहा है बाईस तो इकतीस थर्टी वन ईयर से इकतीस साल से मैं इलाहाबाद में ही हूं मैं मूल निवासी यहां का हूं अब मैं पूरी तरह से बाकी इलाहाबादी मेरा पूरा गोल्डन पीरियड जिंदगी का जो गोल्डन पीरियड थर्टी वन ईयर इकतीस साल यहीं गुजरा है बेटा जी और इलाहाबाद ने बहुत कुछ बहुत कुछ दिया है चलिए तो चलिए हो गया थर्टी वन ईयर्स हो गए इकतीस साल से मैं इलाहाबाद में हूँ थर्टी yeah, वन मैंने गोल्डन पीरियड ही गुजारे ये लिस्ट हो गई होगी बेटा जी चलिए जरा डन बोल दिए कोसर जहां कहाँ गई कोसर जहां बेटा जी <laughs> बहुत बढ़िया प्रेमा जी बहुत बढ़िया चलिए तो हो गया आगे बढ़ते हैं अब आगे देखिए क्या इसमें हे, आप हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट की लिस्ट हम बता रहे हैं हेट्रोस्पोरस हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स टेरेडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स कौन है बेटा ये देखिए आपकी ये और ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा इनकी जो संख्या है ओनली नाइन ओनली नाइन केवल नाइन टेडोफाइट्स हैं जो हेट्रोस्पोरस हैं ओनली नाइन चलिए कृषिकांत मणि विश्वकर्मा का कोई बात नहीं मैं भारत का हूं बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है तो हेट्रोस्पोटेडोफाइट ओनली नाइन कौन करें देखिए बेटा जी इसमें आपका पहला तो आप लिख लीजिए सिलेजिनेला सिलेजी नेला पहला आपने लिख लिया सिलेजिनेला दूसरा आपने लिख लिया आइसवाइटिस आइसोवाइटिस तीसरा लिख लिया आपने मार्सिलिया मार्सिलिया चौथा लिख लिया आपने साल्विनिया साल्विनिया और पांचवा आपने लिख लिया एजोला एजोला तो सलेजना आइसोइटिस मार्सिलिया साल्विनिया एजोला आगे देखिए क्या इसमें है नेक्स्ट है आपका पिलुलेरिया 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 नेक्स्ट इसमें है रेग्ने लिडियम रेग्ने लिडियम नेक्स्ट आपका है स्टाइलाइटिस, नेक्स्ट इसमें है प्लेटीजोमा प्लेटीजोमा, प्लेटीजोमा तो ये आपका पहला हो गया ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया ये चौथा हो गया ये पाँचवा हो गया ये छठा हो गया ये सातवां हो गया ये आठवां हो गया ये नवा हो गया स्टाइलाइटिस टाइलाइटिस चलिए हो गया बिल्कुल अब सिंह बेटा जी पानी पी लिया आगे बढ़ते हैं अब बिल्कुल काम चल जाएगा राहुल साई जी बिल्कुल काम चल जाएगा बेटा जी आपका पूरा काम चल जाएगा उड्डन हो गया ये आपको नौ याद तो करना ही पड़ेगा बेटा इन नौ आपको याद करना ही पड़ेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट द स्पोरेंजिया दी स्पोरेंजिया आर फॉलोइंग फॉलोइंग टाइप्स फॉलोइंग टाइप्स अब पहला इसमें है आपका यू स्पोर यू स्पोर ये क्या देखे स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया डेवलप फ्राम स्पोरेंजिया डेवलप फ्राम स्पोरेंजिया डेवलप फ्राम ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए पहला दूसरा और तीसरा क्या क्या एग्जाम्पल इसमें हैं लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला सिलेजिनेला और नेक्स्ट है इक्विसीटम, इक्विसीटम इक्विसीटम ये आपका बेटा जी यू स्पोर है यू स्पोर एन जी एट लिखेगा बेटा जी यू स्पोर एन जी एट ए टी ई में भूल गया था टी ई बढ़ाइएगा यू स्पोर एन जी एट स्पोर एनजी डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स इसमें एग्जाम्पल क्या है लाइकोपोडियम सिलेजिनेला इक्विटम आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है बेटा जी और ये भी याद रखना है मैं आगे लेफ्टो स्पोर की बात करूंगा अगर कभी दोनों में पूछा जाएगा कि प्रिमिटिव कौन है तो ये यू स्पोरेंजिट प्रिमिटिव है लेप्टोस्पोरेंजेट एडवांस है बेटा ये भी ध्यान रखिएगा कि लेप्टो एडवांस है यू स्पोरेंजिट प्रिमिटिव है ये आप याद रखिएगा चलिए सरिता जी कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती कुमकुम दूबे बेटा जी वो कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती हैं वो मेहनत कम करती हैं सरिता जी मेहनत कम करती हैं इसलिए ज़्यादा परेशान रहती हैं वो प्रीवियस ईयर के सवालों को भी देखती नहीं है मैंने बार बार कहा कि प्रीवियस ईयर के सवालों को देख लीजिए तो कुमकुम बेटा सरिता जी कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती हैं क्योंकि वो पढ़ाई कम करती हैं है ना पढ़ाई जिस दिन ज़्यादा करने लगेंगे ना सरिता जी उस दिन फिर ये सवाल उनको नहीं आएगा या तो फिर वो क्लास में आती नहीं हैं क्योंकि ये मैं जब पिछले क्लास में पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था इस चीज़ को दो तीन बार बताया था यानी वो अभी प्रीवियस जो लेक्चर है ब्रायोफाइटा का उन्होंने अभी देखा भी नहीं क्योंकि ये बातें मैंने डिस्कस की जैसे कुमकुम जी को कैसे पता है कि जब प्रैक्टिस होगा तो वो पेलिया पोरेरा से सवाल आ जाएंगे क्योंकि वो उपस्थित थी आए सरिता जी को ये बाद में वीडियो भी नहीं देख पाई हैं ये एक आध महीने के बाद वीडियो सरिता जी देखेंगी तब इनको पता चलेगा कि सुमन सर ने ऐसा कहा था ठीक है यह है तो वीडियो देखने का मौका ही नहीं मिला क्लास में कैसे मैं मान लू कुमकुम बेटा क्लास में कैसे मैं मान लू रहती हैं क्लास में अगर रहती हैं तो वो यहाँ मैसेज करती ही नहीं क्योंकि ये तो मैंने खुद बताया आ, आखिर आप तो मेरे बातों को ही तो बता रहे ना बेटा कोई आप अपने से तो बता नहीं रहे जो मैं बता रहा हूँ वही आप उनको बता रही हैं यानी वो क्लास में रहती तो कैसे पता यानी फिर उनकी मेमोरी थोड़ी कमजोर हो गई याददाश्त यही होगा चलिए ठीक है देखिए सरिता जी ने कह दिया ना कि सर पिछला क्लास नहीं देख पाए कुमकुम बेटा कह देना पिछला क्लास नहीं देख पाए लेकिन मैंने दो तीन क्लास में ये सब चर्चा मैंने किया है चलिए आगे बढ़ते हैं यू स्पोरेंजियट इस डेवलप फ्राम ए ग्रुप ऑफ सेल लाइकोपोडियम सिलेजिनेला से और इक्विसिटम अभी मैं इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये सब चीज़ें यू स्पोरेंजियट लेफ्टो बार बार आता है ये उसी में पड़ी हैं ये चीज़ें निकल जाएंगी उनकी फिर ये परेशान हो जाएंगी जब सवाल आएगा वहाँ सवाल गलत कर देंगी इतना इंपॉर्टेंट चीजें यू स्पोर लेप्टो लेफ्टो आजकल बार बार आ रहा है सवाल तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो निकल जाएंगी फिर इसके लिए वो परेशान रहेंगी ये चीजें हैं चलिए हो गया आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दूसरी चीज जो है वो लेप्टो लेप्टो स्पोर लेप्टो स्पोर लेप्टो स्पोर देखिए क्या है स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया लेप्टो स्पोर एंजीएट डेवलप फ्रॉम डेवलप फ्रॉम ए सिंगल ए सिंगल इनिशियल ए सिंगल इनिशियल सेल ए सिंगल इनिशियल सेल इस डेवलप फ्रॉम ए सिंगल इनिशियल सेल देखिए क्या इसमें है इसमें आपका ड्राइ इसमें आपका ड्राई ऑफ इसमें आपका टेरिस टेरिस ड्राइव टेरिस टेरिस और इसके बाद इसमें लिया है मारसेलिया स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम अ सिंगल इनिशियल सेल ये डिफिनीशन भी आती है ये एग्जाम्पल भी आता है ड्राइव टेरिस टेरिस और मार्सेलिया लेफ्टोस्पोरेंजेट लेफ्टोस्पोरेंज लेफ्टोस्पोरेंजे स्पोरेंजिट एडवांस है यू स्पोरेंज प्रिमेटिव है बार बार सवाल आता है बार बार सवाल आता है बहुत ही बढ़िया सवाल है चलिए हो गया तो ये चीजें हो गई लेफ्टो स्पोर इंजियट डेवलप फ्रॉम ए सिंगल इनिशियल सेल चलिए डन बोल दीजिए आगे बढ़ा जा बेटा जी चल आगे बढ़ते हैं देखिए क्या है इन होमोस्पोरस इन होमोस्पोरस इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स द इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स द डेवलपमेंट ऑफ द development of the development of in homosporous the development of gametophyte the development of gametophyte in homosporous the development of gametophyte age age Exosporic age egggiopoic एक्जो एस्पोरिक एक्जो एस्पोरिक दैट इज दैट इज गैमिटो फाइट दैट इज गैमिटो फाइट गैमिटो फाइट इज दैट इज गैमिटो फाइट एज गैमटो इज not enclosed not enclosed by by spore wall a spore wall while while in while in heterosporous while in a heterosporous pteridophytes pteridophytes while in heterosporous pteridophyte the development The development, the development, the development of gametophyte, of gametophyte, of gametophyte is endosporic, is endosporic, endosporic. ये देखेगा बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूँ इसको ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है चलिए चलिए भैया स्पोरोकार्प जो है वो कहाँ है स्पोरोप प्रेडोफाइटा में है एक्वेटिक स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया जिसमें पाई जाती वो है वो स्पोरोकार्प है स्ट्रोबिलस आपका स्ट्रोबिलस या कौन वाली बात है कौन को स्ट्रोबिलस कहते हैं तो स्ट्रोबिलस आपका किस्म भी पाया जा सकता है वो एक्विटिक की बात नहीं है वो भी पाया जाता है स्ट्रोबिलस या कौन वो अलग चीज़ है ये केवल जो स्पोरोप होता है वो एक्वेटिक टेडोफाइट में ही पाया जाता है तो वो उसमें अंतर है स्ट्रोबिलस को कोन भी कहते हैं चलिए हो गया चलिए आगे देखते हैं क्या आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं इन होमोस्पोर द डेवलपमेंट ऑफ गैमटोफाइट इज एक्जोस्पोरिक होमोस्पोरस पे कैसा होता है एक्जोस्पोरिक दैट इज गैमटोफाइट इज नॉट एनक्लोज बाई स्पोरवाल इल इन हेट्रोस्पोरिटेडोफाइड द डेवलपमेंट ऑफ गैमटोफाइड इज एंडोस्पोरिक मतलब क्या हो जाएगा दैट इज गैमटोफाइड इज इन इज इनक्लोज बाई स्पोर वॉल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चलिए हो गया आगे बढ़ते हैं एंडोस्पोरिक डायटीज डायटिज गैमिटो फाइट दैट इज गैमिटो फाइट दैट इज गैमिटो फाइट इज एनक्लोज एनक्लोज बाई स्पोर वाल इस्पोर वाल स्पोर वॉल तो दो चीजें यहां आई बेटा जी एक्जो और एंडोस्पोरिक अगर होमोस्पोरोस्टेटोफाइट है आपको पता है ज़्यादातर होमोस्पोरस ही होते हैं वहाँ क्या होगा एक्जोस्पोरिक मतलब गैमिटोफाइट जो है वो स्पोर वाल से घिरा नहीं होगा नॉट इनक्लोज बाई वाल तो अगर गैमिटोफाइट वाल से घिरा नहीं है तो वो एक्जोस्पोरिक है अगर गैमिटोफाइट इस्पोरवाल से घिरा हुआ है तो एंडोस्पोरिक है एंडोस्पोरिक कहां होगा हेट्रोस्पोरस में एक्जोस्पोरिक कहां होगा होमोस्पोरस में मैंने यही बातें बताई हैं। मैंने यही बातें बताई हैं सामान्य सी चीज है चलिए हो गया आगे देखिए क्या इसमें आगे जो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है मेल मेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन इज एन मेल सेक्स ऑर्गन इज एन मेल सेक्स ऑर्गन इज एन विच प्रोड्यूसेस विच प्रोड्यूसेस मेल सेक्स ऑर्गेनिज एंथीडियम विच प्रोड्यूसेस मल्टी फ्लैजलेटेड मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजुआइट्स एंथ्रोजुआइट्स मल्टी फ्लेजुलेटेड एंथ्रोजुआइट्स याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी मल्टी फ्लैजलेटेड एंथ्रोजुआइट्स मेल सेक्स ऑर्गेनिज एंथ्रीडियम विच प्रोड्यूसेस मल्टी फ्लेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स सारे ब्रायोफाइट्स में जो एंथ्रोजॉइड्स होते थे वो बाईफिलेटेड होते थे वो बाई थे बेटा यहां क्या है मल्टी चलिए Male sex organ is anthidium which produces multiflagellated anthrozoites. except 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 Sileginella. except silaginala and except silaginela and lycophodium. लाइकोपोडियम तो इन दोनों में क्या हो जाएगा बेटा जी इन दोनों में जो है मीन्स आपका सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम में एंथ्रोज्वाइड कैसे हो कैसा होगा ये क्या होगा बाई फ्लैजिलेटेड बाई एंथ्रोज्वाइड एंथ्रोज्वाइड बाईफ्लैजलेटेड एंथ्रोजॉयट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जैसे आपने देखा था सारे ब्रायोफाइट्स होमोस्फोरस थे यहां देखिए मोस्टली टेडोफाइट्स होमोस्पोरस हैं कुछ हेट्रोस्पोरस हैं नौ उस तरह देखिए सारे ब्रायोफाइट्स में जो आपका एंथ्रोजॉय था वो बाईफ्लैजलेटेड था यहाँ देखिए मोस्टली वो मल्टी फ्लेजिलेटेड हैं केवल दो एक्सेप्शन हैं का नाम सिलेजिनेला है एक का नाम लाइकोपोडियम है यानी दो में फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है ये देखिए सिमिलरिटी शो करता है किससे? आपका ब्रायोफाइटा से जैसे ब्रायोफाइटा के एंथ्रोजोइड हैं वैसे ही सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम के हैं लेकिन अंतर ये ये है कि लाइकोपोडियम तो चलिए होमोस्पोरस है सिलेजिनेला आपका क्या है हेट्रोस्पोरस है जबकि सारे ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं होमोस्पोरस होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तभी कम लोग जुड़े आज डॉक्टर हिमांशु मिश्रा डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी सर आज बड़ा वाला रविवार है आज फास्ट है सब लोग इसीलिए सब लोग गायब हैं <laughs> बहुत बढ़िया बिल्कुल इसीलिए आप लोग गायब हो गए हैं आज चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं मेल सेक्स ऑर्गन इन मेल ऑर्गन एंथीडियम विच प्रोड्यूसिस मल्टी फ्लेजिलेड एंथ्रोजॉइड एक्सेप्ट सिरेजनी एंड लाइकोपोडियम बाईफ्लेजलेटेड एंथ्रोजॉयड सरिता जी आप पढ़ाई कर लीजिए कोई किसी से नाराज़ नहीं है बातों पर मुझे लगता है कि आप क्लास पिछला नहीं पढ़े इतने दिन क्लास हो गई थोड़ा ये लगता है कि जब आप जैसे सवाल करते हैं वो चीज़ें सवाल वो करते हैं उसके पहले मैं आपको बताया रहता हूँ तो सवाल करने का सवाल ही नहीं उठता लेकिन आप लोग देखे नहीं रहते सवाल कर देते हैं लेकिन वो बात वहीं ख़त्म हो गई मैं देखिए अपने काम में लगा हूँ मैं आगे पढ़ाने लगा और आप वहीं लगी हुई हैं ये तो गलत बात है ना आप आगे बढ़िए वो बातें जो चल गई ना क्लास आ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ मेरा काम है लगातार बोलना अब रोज़ मैं आठ घंटा बोलता हूँ संडे को दो घंटा बोलता हूँ डेली तो मैं आठ घंटा बोलता हूँ आठ घंटे क्लास होती है आज दो घंटे क्लास होती है संडे को और मैं आपका सिलेबस आगे रहे आपसे लगाव है मैं आता हूँ संडे के दिन कोई पढ़ाना नहीं चाहता कम से तो कम मैं तो नहीं चाहता और मेरे घर वाले तो कहते ही नहीं चाहते लेकिन फिर भी कि आपका सिलेबस आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा अपने को कष्ट उठा लीजिए और बच्चों की भलाई के लिए काम करते रहिए तो अभी कहाँ वो पड़ी हुई हैं वहीं पड़ी हुई हैं वो जहाँ थी वहीं पड़ी हुई हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए हो गया चलिए इसके बाद देखिए क्या है मेल मेल सेक्स ऑर्गन सॉरी मेल तो हो गया है फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे फीमेल फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एज archegonium archegonium female sex organ is archegonium which produces which produces which produces non-motile non-motile which produces non-motile which produces नॉन मोटाइल एग नॉन मोटाइल एग आगे देखिए क्या है वाटर इज वाटर इज नेसेसरी वाटर इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन वाटर इज नेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है इसीलिए बेटा जी एक पॉइंट याद करिएगा एक पॉइंट सुन लीजिएगा मैं लिखवा नहीं रहा हूँ याद रखिएगा कि चाहे ब्रायोफाइटा हो चाहे टेडोफाइटा है वाटर नेसेसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसीलिए ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं ये हर जगह नहीं पाए जाते नैरो रेस्ट्रिक्टेड एरिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स आर रेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड इन नैरो एरिया बिकॉज वाटर नेसेसरी फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन तो दहाँ वाटर की उपस्थिति मिल सकता है जहाँ मॉइस्चर इसलिए मॉइस्टर इंड सैडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं ये नैरो नैरोस्ट्रिक्टेड एरिया में ग्रो करते हैं चलिए सरिता साहू जी ने सरिता जी हैं किसी से मैं नाराज़ नहीं हूँ क्या भाई ये बात चल रही है, है? वो मैटर कब का खत्म हो गया उसमें नाराजगी की क्या बात थी अब उन्होंने पूछा मैंने जवाब दे दिया तो बात तो खत्म हो गई ना अब उसको लेके लगातार आप लगे रहिए पब्लिक क्लास में लगे रहिए आप है ना पेड क्लास तो है नहीं पब्लिक क्लास में आप लोग लगे रहिए कि सर नाराज़ हैं सरिता जी से नाराज़ हैं फिर कौन सरिता जी हैं तो बात ख़त्म करके आगे बढ़िए कहाँ आप चक्कर में पड़े हैं आप लोग ख़त्म करिए बात को ख़त्म करिए चलिए वॉर्ड आगे देखिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या देखिए फ्यूजन फ्यूजन बिटवीन फ्यूजन बिटवीन एग सेल एग सेल एंड एंथ्रोज्वाइड anthrojoide fusion between fusion between egg cell and anthrojoide fusion between egg cell and anthrojoide result 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 in the formation of result in the फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन बिटवीन एग सेल एंड एंथ्रोजायर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा द्लांट सो द्लांट सो द्लांट सो क्लियर क्लियर और डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट द द्लान सो क्लियर और डिस्टिंक्ट हेट्रोमार्फिक हेट्रोमफिक्ट्रोमारफिक अल्टरनेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जनरेशन तो देखिये फ्यूजन बिटवीन एग सेल फ्यूजन बिटवीन एग सेल एंड एंथ्रोजाइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द प्लांट सो क्लियर एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलिए चलिए राहुल शाही जी आप अपने काम पर लगे बेटा जी चलिए राहुल जी अपने काम में लगे बातें वो पीछे बोलिए चलिए काम पर लगे कोई अब उस पर बात नहीं करेगा बेटा जी काम पर लगी इसे पढ़ाई पर फोकस करिए चलिए डन होगा डन बताइए आगे बढ़िए चलिए डन हो गया ये देखिए बेटा जी जितने मैंने पॉइंट बताया आपको ये इंट्रोडक्शन था ये क्या था बेटा इंट्रोडक्शन था किसका ट्रेडोफाइटा का यानी ट्रेडोफाइटा का इंट्रोडक्शन ये ख़त्म हो गया अब हम शुरू करेंगे कॉमन नेम एंड बायोटेक्निकल नेम जहां से अक्सर सवाल टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं ज अक्सर सवाल पूछे गए हैं वो आप देखिएगा आगे क्या क्या उसमें है तो अब हम बात करेंगे किसकी कॉमन नेम एंड बायोटेक्निकल नेम की बायोटेक्निकल नेम को आप बोटेनिकल नेम भी कह सकते हैं आप चाहे बायोटेक्निकल नेम कहिए बेटा चाहे बोटेनिकल नेम कहिए तो हम कॉमन नेम और बायोटेक्निकल नेम की बात करेंगे और कुछ चीजें आपको उस समय बताएंगे भी चलिए ये इंट्रोडक्शन हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट आप बिल्कुल रुचि करिया ये इंट्रोडक्टरी है चलिए आगे बढ़ते हैं हो गया तो अब आ जाइए बेटा जी कहां आ रहे हैं आप यहां लिखेंगे क्या कॉमन नेम कॉमन नेम और यहां क्या लिखेंगे आप बायोटेक्निकल नेम बायोटेक्निकल नेम कॉमन नेम एंड बायोटेक्निकल नेम देखिए मैंने एक कॉमन नेम लिख दिया बेटा बायोटेक्निकल नेम लिख दिया अब मैंने बता दिया कि बायोटेक्निकल नेम को बोटेनिकल नेम भी कहते हैं वानस्पतिक नाम बोटेनिकल नेम भी कहते हैं ये मैंने लिखा नहीं लेकिन बता दिया अगर आप कोई भी बच, वीडियो क़ायदे से देखेगा तो उसको पता चल जाएगा नहीं देखेंगे तो परेशान रहेंगे कि बायोटेक्निकल नेम क्या है बायोटेक्निकल नेम क्या है तो वो दिक्कतें फिर बढ़ती रहती हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम कॉमन नेम एंड बायोटिक ने सबसे पहले बात देखिए क्या इसमें जो पहली बात आई वो क्या है स्पाइक मास स्पाइक मास ये किसको कहते हैं बेटा सिलेजिनेला नेला को कहते हैं सिलेजिनेला नेला को स्पाइक मास कहते हैं अब देखिए बेटा जी मैंने कहा था ना ये मास लगा हुआ है यम ओ डबल लेकिन ये ट्रू मॉस नहीं होगा क्योंकि ट्रू मास होने के लिए मैंने कहा था कि ब्रायोफाइटा के क्लास ब्रायपसीडा में जन्म लेना पड़ेगा अब ये बातें बेटा जी कि मैंने कहा ट्रू मास कहलाने के लिए ब्रायोफाइटा के क्लास ब्रायो ब्रायोप्सिडा में जन्म लेना होगा मैं कितने बार बोल चुका हूँ बीस बार बोल चुका हूँ इसके बाद भी अगर सवाल गलत करते हैं तो वो गलती आपकी है जैसे कोंड्रस मास आयरिस मास आया था कोंड्रस क्रिसमस वो वो क्या था एल्गा था वो रेड एल्गा था फिर लाइक में देखें रेनडियर मास और आइसलैंड मास वो लाइकेन था वहाँ भी मॉस लगा हुआ था फिर देखिए ये आपका टेरिडोफाइटा आया है ना टेरिडोफाइटा आया टेरिडोफाइटा में देखिए पहला स्पाइक मास आया आगे लिटिल क्लम मास आए ये सब क्या है फॉल्स मास है लेकिन बॉग मास पीट मास टर्फ मास ट्रू मास है ग्रीन मास कॉड मास कॉमन मास वो ट्रू मास है यानी फ्यूनेरिया आपका स्पैैगनम ये क्या है पॉलीट्राइकम इसे हेयर कैप मास कहते हैं ये ट्रू मास है तो आपको जैसे ट्रू मास फॉल्स मास में अंतर देखना होगा उस तरह ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट में अंतर देखना होगा उस तरह ट्रू फिश और फॉल्स फिश में भी अंतर देखना होगा जुलोजी में जैसे सिल्वर फिश वो फिश नहीं है स्टार फिश वो फिश नहीं है स्टार फिश इकाइनोडरमेटा का मेंबर है है ना सिल्वर फिश आर्थोपोड में आता है वो सिल्वर फिश तो ये आपको वहाँ भी एक चीज़ देखना होगा ट्रू फीस और फॉल्स फीस सवाल आते हैं ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट सवाल आते हैं ट्रू मास फॉल्स मास सवाल आते हैं या ट्रू नट फॉल्स नट सवाल आते हैं इस बारीकियों को आपको पकड़ना पड़ेगा सिलेक्शन चाहते हैं तो यह है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा हमेशा ठीक है यह हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा बिल्कुल ट्रू नेट एंड फॉल्स नेट बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा तो ये सब चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको फोकस करना चाहिए बाकी सुमन सर क्या कह दिए कोई किसी को कह दिए अरे सुमन सर नाराज हो सकते हैं किसी से क्यों नाराज होंगे है ना आप पैसे देते हैं सुमन सर को तो सुमन सर का का, का सुम सर के घर में रोटी बनती है सुमन सर सर के घर में जो रोटी बनती है वो आपके पैसे से ही बनती है तो मैं क्या आपसे नाराज़ हो सकता हूँ वो थोड़ी बातें हैं लेकिन मैं कभी आपसे नाराज नहीं हो मैं हमेशा आपके लिए काम करता रहूँगा मैं जो पब्लिक ले कर आ रहा हूँ जो मैं आपको मेहनत से पढ़ाता हूँ इसका कारण यही है।, है क्योंकि मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट आप पर ही हूँ चलिए तो स्पाइक मास हो गया सिलेजिनेला दूसरा देखिए क्या है लिटिल क्लब मास लिटिल क्लब मास लिटिल क्लब मास ये भी कौन है सिलेजिनेला लिटिल क्लब मास ये भी कौन सिलेजिनेला ये भी टी में आया हुआ है कि लिटिल क्लब मास कौन है तो सिलेजिनेला है क्ल... क्लब मास तो लाइकोपोडियम हो जाएगा वो आगे मैं बताऊंगा लिटिल क्लब मास कौन है ये चीज़ें हैं ये है लिटिल क्लब मास बिल्कुल बेटा जी बिल्कुल हो गया सिलेजिनेला आगे देखिए क्या है जो तीसरे नंबर पे हां मैं लिख रहा हूं वो क्या है आपका संजीवनी संजीवनी लिटिल क्लब मास ये क्या है संजीवनी ये देखिए बेटा क्या है सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस सिलेजिनेला ब्रायोपटेरिस संजीवनी सिलेजनेला ब्रायोपटेरिस यस मतलब सिलेजिनेला बेटा सिलेजिनेला ब्रायोपटेरिस को हम संजीवनी कहते हैं अभी मैं सिलेजिनेला की बात कर रहा हूं याद रखिएगा इसके बाद नेक्स्ट है चौथे नंबर पर रिसरेक्शन प्लांट री सरेक्शन रिसरेक्शन प्लांट रिसरेक्शन प्लांट में क्या है देखिए सिलेजिनेला सिलेजिनेला लेपिडोफिला, लेपिडोफिला सिलेजिनेला लेपिडोफिला एंड सिलेजिनेला सिलेजिनेला सिलाई जी पीली फेरा पीली फेरा सिलेजिनेला लेप्डोफिला एंड सिलेजिनेला पिलीफेरा ये क्या है बेटा जी आपका रिसरेक्शन प्लांट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी सिलेजिनेला लेप्डोफिला एंड सिलेजिनेला पिलीफेरा ये इसको रिसरेक्शन प्लांट का मतलब होता है पुनर्जीवन जैसे आप कभी प्रयाग आपके यहाँ भी होगा लेकिन मैं बता दूँ प्रयागराज इलाहाबाद में आ, हर साल बेटा वो माघ मेला लगता है हर साल माघ मेला लगता है छ छः साल में अर्ध कुंभ लगता है अब बारह साल में कुंभ लगता है कुंभ लगता है आपको पता है कि चार जगह कुंभ लगता है आपका हरिद्वार है प्रयागराज है नासिक है और उज्जैन है एक जीके का सवाल भी आता है कि कहाँ कहाँ कुंभ मेला लगता है तो उसमें प्रयागराज है हरिद्वार है उज्जैन है और नासिक है तो प्रयागराज में माघ मेला लगता है बेटा हमेशा ये आपका पंद्रह दिसंबर से लेकर के आपका पूरे फरवरी ये आपका पूरी जनवरी और चार पाँच फरवरी तक बसंत तक रहता है लगभग डेढ़ महीने से ज़्यादा का माघ मेला लगता है उस माघ मेला में ये सलेजनी का प्लांट कुछ लोग ले लाते हैं बेचने के लिए बिल्कुल सूखा बंडल होता है टाइड सूखा बंडल बेटा बनाए रहते हैं वो रखे रहते हैं और फिर वहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो चार पाँच गिलास रखे रहते हैं उस गिलास है। में पानी भरे रहते हैं गिलास में पानी भरे रहते हैं और उस पानी में वो सृजना का प्लांट जैसे एक दिन का दो दिन का तीन दिन का डाल देते हैं एक दिन का डाले रहेंगे तो कम हरा रहेगा दो दिन का उससे ज़्यादा हरा रहेगा तीन दिन का उससे ज़्यादा हरा रहेगा मतलब ये जो प्लांट बिल्कुल सूखा बंडल है टाइड है वो भी पानी में डालने पर जीव जीवित हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं रिसरेक्शन प्लांट पुनर्जीवित प्लांट पुनर्जीवन हो जाता है तो वो आपको याद रखना होगा कि सिलेजिनेला की केवल दो स्पीश ऐसा कर पाती हैं सिलेजिनेला लेपिडोफिला एंड सिलेजिनेला पीलीफेरा ये प्रयागराज में दिखता है तो ये इस बात को आपको ध्यान देना है ठीक है ये हो गया जो भी लोग इलाहाबाद में होंगे वो देखे होंगे बाहर भी लोग देखे होंगे इलाहाबाद में ये दिखता है मेला जब भी आप आए ठंडी के महीने मेला लगता है बहुत ही खुशनुमा मौसम होता है प्रयागराज का तमाम लोग आकर के डेढ़ महीना कल्पवास करते हैं पूरा मेला क्षेत्र एक एक जिला की तरह बसा दिया जाता है जहाँ उसका डीएम होता है मेला अधिकारी होता है तमाम थाने होते हैं जहाँ थानेदार होते हैं और कई चीज़ें एस डी होते हैं क्षेत्राधिकारी वो बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा दृश्य होता है बहुत ही शानदार जो है मेला हर साल लगता है अर्धकुंभ कुंभ की तो बात ही अलग है बिल्कुल <laughs> तो ये आपका देखा है तो याद रखना पड़ेगा स्पैगनम नहीं आनंद सिंह बघेल जी वो स्पैगनम नहीं होता बेटा वो यही होता है सिलेजनी लेप्टोफिला दो स्पेसीज है ये हो गया हो गया आगे हम बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट आपका पांचवें नंबर पर हम हैं क्या बता रही इसमें बर्ड नेस्ट आपका हम लिख रहे हैं बर्ड नेस्ट मास बर्ड बर्ड्स आपका बर्ड्स नेस्ट मास बर्ड नेस्ट मास इसमें क्या देखे यह, यहां भी मॉस लगा फॉल से देखिए क्या है ये सिलेजिनेला 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 लेपिडोफिला लेपिडोफिला सिलेजिनेला लेपिडोफिला लेपिडो फिला लेपिडोफिला लेपिडोफिला एंड सिलेजिनेला, रपेस्ट्रिस 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 वहां देखिए क्या था बेटा जी सिलेजिनेला लेपिडोफिला और सिलेजिनेला पिलीफेरा था जब हम रिसरेक्शन प्लांट की बात कर रहे थे यहां हम जब बर्ड नेस्ट मॉस की बात कर रहे हैं बेटा जी तो सिलेजिनेला लेपिडोफिला और सिलेजिनेला रपेस्ट्रिस आ गया लेपिडोफिला तो सेम है लेकिन आ गया दूसरा क्या गया? आ गया रेपेस्ट्रिस आ गया बिल्कुल बिल्कुल सही बात है किरण राय बता रही हैं, बिल्कुल सही बात है चलिए और ये आपका पांचवा हो गया छठे नंबर पर देखिए क्या है आपका क्लब मास है क्लब मास ये किसको कहते हैं बेटा जी लाइकोपोडियम को कहते हैं लाइको को कहते हैं क्या क्लब मास कहते हैं लाइकोपोडियम को क्या कहते क्लब मास देखिए यहां भी मॉस लगा हुआ तो बड़ा सावधानी बरतना होता आपको क्लब मास तो लाइकोपोडियम लिटिल क्लब मास तो क्या सिलेजिनेला लिटिल क्लब मास सिलेजिनेला क्लब मास लाइकोपोडियम तो ये आपका लाइकोपोडियम हो गया आगे देखिए सातवें नंबर पर इसमें है हॉर्स टेल आपका है हॉर्स टेल और आठ आठवें नंबर पर है आठवें नंबर पर आपका है स्काउरिंग रसेस स्काउरिंग रसेस हॉर्सटेल और स्कोरिंग रसेस ये देखिए हॉर्सटेल और स्कॉरिंग रसेस ये दोनों किसको कहते हैं हम इक्वीसीटम को कहते हैं इक्वीसीटम को कहते हैं हॉर्सटेल बार बार पूछा जाता बेटा हॉर्सटेल कौन है इक्वीसीटम है और इक्वीसीटम को ही हम क्या कहते हैं स्कोरिंग रसेस कहते हैं बेटा स्कॉरिंग रसेस क्यों कहते हैं बेटा जी इसके सेलवाल में सिलिका का डिपोजिशन होता है सिलिका बालू का डिपोजिशन होता है और देखिए ये बर्तन माजने के काम आता है किस काम आता है बर्तन माजने के काम आता है इसलिए इसको क्या कहते हैं इसकावरिंग रसेस भी कहते हैं बर्तन माजने के देखिए गांव में क्या है वहाँ बिम बार यूज थोड़ी नहीं करते हैं कि बिम लाएँ वो राख से ही बर्तन साफ़ कर देते हैं वो बालू से बर्तन साफ कर देते हैं ठीक है राख और बालू से बर्तन को माज देते हैं तो ये बर्तन मारने के काम आता है इसलिए स्कॉरिंग रेसेस कहते हैं स्कॉरिंग रेसेस इक्कीस करते हैं बर्तन साफ करने का काम आता है ठीक है तो चलिए हो गया ये स्कॉरिंग रेसेस आठ आठ नंबर पर हो गया नेक्स्ट लिखे नवे नंबर पर चलिए आप नवे नंबर पर हैं इन हेयर मेड इन हेयर मेडन हेयर फॉर्न और आपका दसवें नंबर पर है वॉकिंग फंड वॉकिंग फर्न वॉकिंग फंड ये इन एयर फंड वॉकिंग फंड किसको हम कहते हैं एडियनटम को कहते हैं किसको कहते हैं एडियनटम को मेडन फंड कहते हैं और वॉकिंग फंड कहते हैं दोनों किसको कहते हैं एडियनटम को एक बार ये भी पूछा गया था बेटा जी क्यों एडियनटम को वॉकिंग फंड क्यों कहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन में लिखा था क्यों क्योंकि ये वॉक करता है इसलिए वॉकिंग फंड कहलाता है ये तो होगा नहीं पक्का है जब भी ऐसा सवाल आ जाए इतना आसान सवाल आ जाए तो वो तो होगा ही नहीं आप सोचा करिए जैसे लाल सागर तो लाल सहवाल लाल सहवाल तो होगा नहीं लाल सागर लाल सहवाल वो तो कोई भी बता देगा वो होता नहीं लाल सागर के लिए बीजीए था ट्राइकोड मेरिथ्रियम था उसी तरह ऐसा नहीं है कि वॉक करता है तो वॉकिंग फंड है है ना ऐसा इसमें नहीं है क्यों ये वॉकिंग फंड है देख लीजिए मैं इसमें बता रहा हूं क्यों इसको वॉकिंग फंड कहते हैं ठीक है तो आप ये लिख देंगे यहां क्या आप क्या लिखेंगे बेटा जी नोट करके एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे एडियंटम 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 इज नोन एज walking walking adiantum is known as walking fun because because it propagates because it propagates through because it propagates through leap tips leap tips टिप्स। एडेंटम एज वॉकिंग फंड एडेंटम इज नोन एज वॉकिंग फंड बिकॉज इट प्रोपेगेट्स थ्रू लीप टिप्स प्रोपेगेट्स थ्रू मतलब इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता बेटा वो लीप टिप के द्वारा होता है इसीलिए इसको वॉकिंग फंड कहा जाता है तो ये चीज आपको याद रखना होगा लीप टिप बिल्कुल सही बात डेजी ने बिल्कुल सही कहा ये डेजी है चलिए तो क्या हो गया ये एडेंटम इज एज एडेंटम इज नोन एज एडेंटम इज आल्सो नोन एज आल्सो बढ़ा लीजिएगा तो ज्यादा थोड़ा अच्छा हो जाएगा आल्सो नोन एज वॉकिंग फंड बिकॉज इट प्रोपेगेट्स थ्रू लीप टिप्स लीप टिप्स इसमें बेस्ट्यू प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता लीप टिप्स के द्वारा होता है चलिए डन हो गया तो आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ते हैं इसमें आगे बढ़ा जाए चलिए तो ये कितना हो गया था जरा देख लिया जाए ये आपका हो गया दस तक हो गया है अब नेक्स्ट एलेवन नंबर पर देखिए क्या इसमें कॉमन नेम बायोटेक्निकल नेम में है, है। इसमें आपका ट्री फर्न ट्री फर्न ट्री फर्न में क्या है देखिए यहां साइथिया है सी वाई ए टी एच ई है साइथिया एंड आल्सोफिला आल्सोफिला साइथिया एंड आल्सोफिला ये ट्री फर्न है आगे देखिए क्या है बारह नंबर पर है इसमें फिल्मी फर्न फिल्मी फर्न फिल्मी फर्न में क्या है हाई मेनो फिल्म हाई मेनो फिल्म हाई मेनो फिल्म एंड ट्राइको एंड ट्राइको माइनिस हाई मेनो फिल्म एंड ट्राइको मैनिस ट्री तो फंड में साइथिया एंड आल्सोफिला है फिल्मी फंड में हाइमोनोफिलम एंड ट्राइकोमैनिस मैनिस है इनकी लीप बेटा बिल्कुल पारदर्शी होती हैं, फिल्म की तरह होती हैं इसलिए इनको फिल्मी फर्न फिल्म कहते हैं हाईमिनो और ट्राइकोमैनिस को क्या कहते हैं फिल्मी फर्न कहते हैं साइथिया एन आलसोफिला बिल्कुल फिल्मी फर्न कहते हैं लाइ हो गया चलिए आगे देखिए क्या है नेक्स्ट तेरहवें नंबर पर थर्टीन नंबर पर क्या है स्टैग हॉर्न फन स्टैग हॉर्न स्टैग हॉर्न फॉर्ड ये क्या है आपका प्लेटी सेरियम है प्लेटी सेरियम प्लेटी सेरियम कुमकुम -कुम जो सरिता जी हैं कि नहीं सरिता जी हों तो कहें प्रकट हों वो और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जा बैठा पढ़ाई पर ध्यान दें कोई उनसे नाराज़ नहीं है खास तौर से तो मैं कभी नाराज़ नहीं हो सकता तो कुमकुम -कुम जी प्लीज आप सरिता जी को जरूर बुलाएं अगर वो हों तो सरिता जी हाजिर हों स्टैग हॉर्न फंड अब शेख सिंह आप देख लिए क्या आप शेख सिंह अब बेटा आप देख लिए कि मेरे लिए चाय आ गई क्या कैसे आप बहुत आप जो है दूरदर्शी हैं भाई कैसे आप वो तो उधर छुपके छुपके धीरे से लाया कि जो है तो कैसे आप देख गए कि मैं चाय पी रहा हूं है ना थोड़ी चीनी वाली भी पीनी चाहिए कभी कभी नहीं तो शुगर लेवल कम हो जाएगा चलिए अब सेब की बहुत पकड़ है जो है सरिता मैम प्रेजेंट है बहुत बढ़िया तो सर हैं हैं अरे बेटा जी आप नाराज मत होइएगा बेटा जी सरिता जी आप नाराज़ होने की जरूरत नहीं है बेटा जी बिल्कुल आप खुश होइए बेटा खुश रहिए है ना बिल्कुल खुश रहिए बेटा जी शेख सिंह देख रहे हैं कितने दूरदर्शी हैं चाय मुझे चुपके चुपके से चाय आई फिर भी पूछ लिए वो कि सर ये शुगर फ्री है कि चीनी मैं कितना उनको ध्यान है कि वो चाय पीछे से लेके आया मेरे पास रखा मैं एक घूंट पिया उनको पता चल गया कि सर शुगर फ्री है कि चीनी वाली है बेटा जी चीनी वाली है ये मैं मंगाता रहता हूँ कभी चीनी वाला भी पीना चाहिए चलिए अच्छा बोर्ड की स्क्रीन में दिखता स्क्रीन में दिखता है अच्छा 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 वायरस से समझ गए चलिए बहुत बढ़िया बिल्कुल सरिता बेटा जी बिल्कुल आप खुश रहिए बेटा जी मुस्कुराते रहिए आप, आप नौकरी पाइए आप आगे बहुत बढ़िए मेरी आप यही इच्छा है आपके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं बेटा जी आगे बढ़ते हैं स्टैग हॉर्न फंड प्लेटिसेरियम है अब आगे देखिए क्या है चौदह नंबर पर एडर्स मैं सरिता बेटा इसलिए कह रहा था कि आप एक्टिव रहिए आप इनएक्टिव मत रहिए बेटा जी जैसे मैं एक्टिव हूँ आप भी एक्टिव रहिए है, है ना आप एक, आप एक्टिव रहेंगे बेटा तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे इनएक्टिव रहेंगे तो फिर वो चूंकि आपकी बात टी जी में सीटें देख रहे हैं कितने अच्छे बच्चे हैं जितनी सीटें हैं ना वहाँ टी जी में उससे ज़्यादा मेरे अच्छे बच्चे हैं धक्का मार देंगे तो एक्टिव रहिए जितनी सीटें -सी उन्होंने दिया है उससे ज्यादा मेरे पास ही अच्छे बच्चे हैं तो दूसरा आदमी नौकरी कहां दिलवा पाएगा है ना तो वो सारी सीटें तो मेरे बच्चे कब्जा कर ले जाएंगे मेरे जो विद्यार्थी कब्जा कर ले जाएंगे तो ये है तो बिल्कुल खुश रहिए चलिए तो आगे तक क्या है इसमें एडर्स टंग फंड एडर्स टंग एडर्स टंग फंड ये कौन है आफियो ग्लासम है आफियो ग्लासम है बेटा एडर्स टंग फंड आफियो ग्लासम आफियो ग्लासम ये आफियो ग्लासम, टंग है फॉर्न ग्लासम। चलिए बिल्कुल बेटा जी नौकरी मिलेगी सरिता बेटा बिल्कुल नौकरी मिलेगी आपको बस लगे रहिए एक्टिव फॉर्म में रहिए मेरा आशीर्वाद है सबके साथ है सब लोग मेहनत करें मेरे बच्चे बहुत अच्छा करें मुझे उसी में खुशी है और आपके खुशी के लिए काम किया जाता है आपकी खुशी में मेरी खुशी है जितना अच्छा हम रिजल्ट देंगे उतना ही बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही हमको ज्यादा पैसा आएगा सीधी सी बात है अच्छा रिजल्ट ज़्यादा बच्चे अच्छा ज़्यादा पैसा और अच्छा रिजल्ट के लिए मेहनत से पढ़ाना पड़ेगा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा संडे के दिन भी आपको लेके आता हूँ हर बुधवार को प्रश्नों की फुहार आ रही है अब तो पीडीएफ भी जाने लगा है वो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर यही पाया जाता आफि गुला साहब में बिल्कुल इन्होंने कहा आ, निकिता गुप्ता जी ने बिल्कुल सही कहा अनिल जी भी जुड़ गए हैं अनिल जी भी आ गए हैं अनिल जी अभी तक सो रहे होंगे अब जगे होंगे तो कहेंगे चला जाए सुमन सर के पास तो चले आए चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अनिल जी अब दोपहर होने वाला है बारह बजने वाला है ग्यारह अट्ठावन हो रहा है अनिल जी ग्यारह अट्ठावन होने वाला है तो रोटी के साथ पनीर भी खा सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल 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 प्रेमा जी प्रेमा वर्मा जी बिल्कुल सही बात है चलिए तो आइडर स्टंग फन हो गया बेटा जी आगे बढ़ते हैं ये फोर्टीन हो गया आगे क्या है फिफ्टीन नंबर पर देखिए पंद्रह फिफ्टीन नंबर पर आपका क्या है वाटर फंड वाटर फर्न वाटर फर्न क्या है अजोला अजोला को वाटर फर्न कहते हैं और आपको पता है बेटा जी अजोला जो है वो यूज एज यूज एज बायो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर यूज एज बायो फर्टिलाइजर वाटर फंड अजोला है जो ये यूज होता है कैसे बायो फर्टिलाइजर आगे देखिए क्या है नेक्स्ट सोलह नंबर पर आपका क्विल वर्ट है क्विलवर्ट क्विल वर्ट है ये कौन है क्विल वर्ट आइसोआइटिस है आइसोआइटिस क्विल वर्ट है बेटा आइसोआइटिस को क्विल वर्ड कहते हैं बैठ कहते हैं आगे देखिए क्या इसमें है फोर लीव्ड क्लोअर प्लांट सत्रह नंबर पर है फोर लीब्ड फोर फोर लीप्स क्लोअर प्लांट्स फोर लीप्स क्लोअर प्लांट कौन है मार्सिलिया, मार्सिलिया। मार्सिलिया को कहते हैं फोर लीव्स क्लोर प्लांट बेटा मार्सिलिया फोर लीव्स क्लोर प्लांट है चार पत्ती वाली वो प्लांट होता है ऊपर चार पत्ती लगी रहती है फोर लीव्स क्लोर प्लांट सुनील जी इस समय वो बेटा जी गायब हैं सुनील जी गायब हैं उनकी क्लास एक दिन लग गई थी बहुत तगड़ी क्लास लगी थी सुनील जी की सुनील चौधरी बस्ती वाले सुनील चौधरी बस्ती वाले क्लास इतनी बहुत तगड़ी लग गई थी बेटा जी इसलिए थोड़ा सा वो शांत है चलिए तो क्विलवर्थ आइसाइटिस फोर लिप्स क्लोअर प्लांट मार्सिलिया हो गया डन हो गया चलिए क्लास बेटा जी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को बॉटनी की चलती है चार बजे से चार से छह और टी में जुलोजी चलती है ट्यूज़डे थर्सडे सैटरडे वो चलती है बेटा जी पाँच से सात और बॉटनी संडे को भी चलती है दस से बारह इब्री संडे तो बॉटनी चार दिन चलती है, संडे को चलती है और जुलोजी की भी क्लास अक्सर सर जो है सैटरडे को सुबह शाम दोनों लेते हैं संडे को भी शाम को लेते हैं जैसे उनके पास अवेलेबिलिटी टाइम का हो और बुधवार को मेरा प्रश्नों का फुहार होता है इबरी वेडनेसडे प्रश्नों का फुहार मैं 81 वन क्वेश्चन लेके आता हूं हो सकता है आपकी बार 82 टू क्वेश्चन लेके आऊं यह है बस बस थोड़ा सा बचा है अमिता कटियार जी बस थोड़ा सा बचा हुआ है मैं उसको पूरा कर लूं ये फोर लिप क्लोर प्लांट चलिए थोड़ा सा है ये काम खत्म कर लिया जा आगे देखिए क्या इसमें है आपका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपका सत्रह हो गया था अट्ठारह नंबर पर रॉयल फर्न रॉयल फर्न और उन्नीस नंबर पर है फ्लावरिंग फर्न, फ्लावरिंग फर्न। रॉयल फर्न एंड फ्लावरिंग फर्न किसको हम कहते हैं असमुंडा को कहते हैं असमुंडा को हम कहते हैं रॉयल फर्न एंड फ्लावरिंग फर्न किसको कहते हैं अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है आपका 19 हो गया बीसवें नंबर पर हमारा है सनफर्न सनफर्न सन फर्न सन फर्न हम कहते हैं टेरिस को टेरिस को सन फर्न कहते हैं इसके बाद 21 जरा देर मैं कंफर्म कर दूं सत्रह हुआ था बिल्कुल सत्रह हुआ था अट्ठारह हो गया उन्नीस हो गया बीस हो गया इक्कीस हो गया आपका हे सेंटेड फंड हे सेंटेड हे सेंटेड फंड ये ड्राई को कहते हैं ड्राई हे सेंटेड फंड ड्राई को कहते हैं नेक्स्ट है ट्वेंटी टू विस्क फंड ये हम कहते हैं साइलोटम को साइलोटम को कहते हैं साइलोटम को विस्क फर्न कहते हैं साइलोटम तो रॉयल फर्न और फ्लावरिंग फंड असमुंडा है सन फंड टेरिस से है सेंटेड फंड ड्राइव टेरिस है विस्क फंड साइलोटम है चलिए ड्राइव टेरिस बिल्कुल चलिए बोलिए जल्दी से ख़त्म होने वाला है ये टाइम भी मेरा बेटा जी बारह बज के चार मिनट हो गए अब कभी भी मुझे आके कह दिया जाएगा कि सर ख़त्म करिए तेलुगु में ने, नेहा अभि सिंह कहते तेलुगु में यमराज को <laughs> चलिए टेस्टरीज शुरू करने वाले हैं बेटा जी जल्दी टेस्ट शुरू शुरू होगा अभी प्रश्नों की फुहार तो चली रही है वो एक हिसाब से टेस्टरीज है जल्दी टेस्टरीज भी शुरू हो जाएगी चलिए टेस्टरी जल्दी शुरू हो जाएगी बेटा आगे देखिए क्या इसमें आपका आपका ट्वेंटी टू शायद हो गया था एक बार जरा कर, कर कर ये ट्वेंटी टू आपका ट्वेंटी थ्री है देखिए ट्वेंटी थ्री आपका है पेपर वर्ट फर्न पेपर पेपरवर्ट फर्न पेपर वर्क फंड ट्वेंटी फोर पर है इसमें मून वर्ट फर्न मून मूनवर्ट फर्न तो ये आपका हो गया क्या पेपर वर्क फंड ये आपका मार्सिलिया है मार्सिलिया आ, ये मून मूनवर्ड फंड आपका बोट्रीचियम है बोट्री ची है ये बोट्री चीएम है बोट्रीचियम है तो ये आपका बेटा चौबीस थे कॉमन नेम और बायोटेक्निकल नेम आप बहुत ही जागरूक विद्यार्थी हैं कहीं और कुछ मिल जाएगा तो आप नोट कर लीजिएगा बेटा जी आप बहुत ही जागरूक विद्यार्थी हैं ठीक है और अब आगे अब देखिए आज की बात यहीं तक है आज ये क्लास समाप्त कर रहा हूँ ये मैं लिख रहा हूँ वो आपको धन्यवाद थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद चलिए तो आज की क्लास बेटा जी यहीं थी टेस्ट सीरीज हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं प्रश्नों की फुहार चल रही है प्रश्नों की फुहार एक है अब से टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है दुनिया भर के सवाल हम 81, 82 सवाल लेकर हर हफ्ते आ रहे हैं अब अब तो वो पी भी जाने लगा है आपको तो जिसको आप फोटो स्टेट करवा निकाल लेंगे तो कभी भी आप पढ़ते रहेंगे तो अब आप भी जाइए अपना जो इलाहाबादी लोग हैं प्रयागराज जी दाल चावल बनाएँ चावल दाल बनाएँ खाएँ और मैं भी चलूँगा तो ओके बेटा जी थैंक यू बेटा जी थैंक यू बेटा जी थैंक यू बेटा जी कल चार बजे फिर मिलेंगे इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे, फिर राहनियाँ पढ़ाएंगे और फिर फिर राहनियाँ ख़त्म कर देंगे क्लासिफिकेशन ख़त्म करेंगे राहनियाँ ख़त्म करेंगे फ़ासिल है इसके बाद सिलेजनेला भी शुरू करेंगे इतनी चीज़ें कल होंगी कल शाम को चार बजे मिलते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार